मिट्टी में एक बीज दबाना और अपने आंखों के सामने उसे पेड़ बनते हुए देखना, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की पेट भरने के लिए निछावर कर देना, ये फीलिंग किसको पसंद नहीं होगी, ये भावना किसको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन इसके बावजूद देश में लोग किसानी से पीछे भागते हैं। कारण, किसानी में कमाई नहीं है, जमीन हर जनरेशन के बाद कम होती जा रही है। ऐसे में इतने कम जमीन में कोई खेती करे तो करे कैसे। इन्हीं सवालों का, इन्हीं समस्याओं का जवाब निकाला है सागर के रहने वाले आकाश चौरसिया, और ऐसा जवाब निकाला है कि आज वो अपनी खेत से 3 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में, हमारे आज के इस पॉजिटिव स्टोरी में हम आपको इसी का राज बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि आकाश चौरसिया आखिर अपने छोटे से खेत में से 3 लाख रुपए कैसे कमा लेते हैं। बुंदेलखंड के सागर से किसान हैं आकाश चौरसिया, उम्र 30 साल है। एक समय पर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में आए कुछ ख्यालों ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि डॉक्टर से ज़्यादा वो समाज की मदद एक किसान बनकर कर सकते हैं। उसके बाद शुरू हुआ उनका सफ़र, वो सफ़र जिसमें उन्होंने चुनौतियाँ ढूंढी, जिसमें उन्होंने ढूंढा कि किसानों के सामने समस्याएँ क्या क्या आती हैं, और शुरू की अपनी वैज्ञानिक खेती की राह। बचपन से सपना था डॉक्टर बन के लोगों की सेहत का ख्याल रखूं, लेकिन बढ़ती जा रही बीमारियां, बिगड़ती सेहत को देखकर मेरे मन में ख्याल आया डॉक्टर बन के मैं लोगों की सेहत ठीक करूंगा, लेकिन सेहत बिगड़ने के कारण को ठीक नहीं कर पाऊंगा, और कारण है खान पान। कहीं ना कहीं जैसा खाते हैं हम अन्न वैसा होता है मन, जैसा होता है मन वैसा होता है तन, तो खान पान ही हमारी बिगड़ती हालत का कारण है, और इसको ठीक किया जा सकता है जैविक तरीके से खेती करके। तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ खेती करने का संकल्प लिया, और खेती में अनेकों नवाचार किए। ये नवाचार में सबसे पहला नवाचार मल्टी लेयर फार्मिंग, जिसमें एक साथ एक जमीन पर चार चार फसलें उगाई जा सकती हैं, और खेती की तमाम तरीके की समस्याओं का समाधान एक मंच पे स्वावलंबी और सस्टेनेबल तरीके से लिया जा सकता है। जब आकाश जी ने अपनी खेती की शुरुआत की तो सबसे पहली समस्या जो उनके ध्यान में आई वो ये थी कि भारत में किसानों के पास जोत छोटे छोटे हैं, उनके पास खेत छोटे छोटे हैं, तो छोटे खेतों में किसान चाहकर भी कितनी फसल उगाए। अब यहां पर उन्हें इंस्पिरेशन मिला, इस समस्या का समाधान मिला बहुमंजिला इमारतों को देखकर। उन्होंने सोचा कि जब छोटी सी जमीन पर इतने सारे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की जा सकती है, तो क्या छोटे जमीन पर ज्यादा लेयर्स करके खेती नहीं की जा सकती, और यहीं से शुरू हुई उनकी ऑर्गेनिक मल्टी लेयर फार्मिंग की कहानी। कुदरती रूप से कैसे हम बीजों का संरक्षण करें और खेती को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएं, इसके लिए 80 प्रकार की देसी प्रजातियों का संग्रह करके उनका बीज बैंक बनाया, उनका शुद्धिकरण करके हजारों किसानों तक देसी बीज भी पहुंचाए। इसके साथ साथ सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प में जैविक खाद बनाने के फार्मूले तैयार किए, जिससे हम सभी तरह के मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं, और मिट्टी से भरपूर उत्पादन जैविक तरीके से लिया जा सकता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक तरीके से कैसे जैविक खेती को करें, तो उसके लिए एक अच्छी बायोडायवर्सिटी का होना जरूरी है। खेत की मेड़ों से लेकर खेत के अंदर कहां किस व्यवस्था में पेड़ लगना चाहिए, और उसके लिए एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिससे आमदनी भी हो, सुरक्षा भी हो, पेंशन प्लान भी हो, और आय भी किसान की बढ़े, उसके लिए हमने एक अच्छी जैव विविधता का निर्माण किया। जब सबसे पहले आकाश जी ने मल्टीलेयर खेती की शुरुआत की तो उन्होंने 2 स्तरों पर शुरुआत की। पहली खेती अंडरग्राउंड होती थी और दूसरी सतह पर। धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले गए। उसके बाद उन्होंने बांस की बल्लियां लगाई और उसके ऊपर लते वाली पौधे लगाए। इससे भी उपज बढ़ी, एक साथ 3-3 खेतों की उपज उन्हें बढ़ने लगी। जब उन्होंने ये समझ लिया, जब इसका आइडिया उन्होंने क्राक कर लिया, उसके बाद उन्होंने प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। अब तक वो 80,000 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और इसके साथ ही 2 लाख से ज़्यादा किसानों को उनके इन प्रयोगों का लाभ मिला है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप आकाश चौरसिया से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, हम आपको उनका फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो स्टोरीज लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।